जी अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पेटेंट डिज़ाइन और अमेज़न पेटेंट्स होते क्या हैं उसके वाले से चीज़ों को देखा था। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाउ टू रीड अ पेटेंट एप्लीकेशन इन 4 स्टेप्स। क्या आपके पास जो पेटेंट एप्लीकेशन आती है या कोई अपील कर देता है तो आपने उसको कैसे रीड आउट करना है उस एप्लीकेशन। तो इसमें सबसे पहले ये है कि स्किप दी एब्स्ट्रैक्ट। पेटेंट एब्स्ट्रैक्ट्स आर हार्ड टू रीड, मेंडरिंग एट बेस्ट एंड डेलिब्रेटली वेक एट वर्स्ट। द एब्स्ट्रैक्ट हैज़ लिटल लीगल सिग्निफिकेंस बियॉन्ड शेडिंग लाइट ऑन द क्लेम्स एंड ऑफन डज नॉट एक्यूरेटली कैप्चर द एसेंशियल नेचर ऑफ द पेटेंट। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बुक्स के स्टार्ट में भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, तो हम लोग उसको ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली उसके अंदर कोई ख़ास कह लें कि इंफॉर्मेशन हालांकि होती है और ज़्यादातर लोग इसको स्किप भी कर देते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ये कहा है कि इसमें जो है ना थोड़ी सी समझ आपको उस तरीके से नहीं आती क्योंकि चीज़ों को उन्होंने शॉर्ट करके लिखा होता है, ठीक है। स्किप की होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें और बिल्कुल शॉर्ट करके लिखा होता है, टू द पॉइंट लिखा होता है, तो आपको ये समझ में नहीं आता ज़्यादातर। या आप अगर इसको समझना चाहें भी तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। फिर सेकंड चीज़ है थिंक थ्रू दी ड्राइंग्स। द ड्राइंग्स इन द पेटेंट एप्लीकेशन कैन असिस्ट इन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इन्वेंशन। द यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO सेलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव ड्राइंग टू अपीयर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द पेटेंट। द ड्राइंग्स शुड शो एवरी फीचर ऑफ द इन्वेंशन स्पेसिफाइड इन द क्लेम्स। अब ये जो पूरी एप्लीकेशन होती है इसके अंदर ड्राइंग्स भी दी होती है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आईफोन के हवाले से एग्जांपल देखी थी, तो वहाँ पे ड्राइंग्स थे डिफरेंट आईफोन के मतलब मोबाइल फोन्स के रिलेटेड, उनके फीचर्स के रिलेटेड, वो सारी की सारी जो थी पेटेंट एप्लीकेशन के हवाले से पूरी चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था पिक्चर्स के साथ। तो सेम इसमें भी यहाँ पे ड्राइंग्स के साथ डिफरेंट फीचर्स को या इन्वेंशंस को वहाँ पे जो भी उनके हवाले से क्लेम होता है उसको एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। ड्राइंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, डिटेल्ड इलस्ट्रेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब आपके पास जो भी चीज़ है उसकी डिटेल के साथ सारी की सारी वो चीज़ें ना एक्सप्लेन की होती हैं उन्होंने ड्राइंग्स के अंदर। फिर ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं। ब्लॉक डायग्राम्स ये कह लें कि उसके अंदर आपके पास जो उसका सिस्टम होता है पूरे का पूरा, उसके जो पार्ट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है या क्या उनका कनेक्शन है, हर हर चीज़ का, हर हर कह लें कि उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे आईफोन है उसके अंदर जो उसके पार्ट्स हैं फ़ोन के, तो हर पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, वो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू उन्होंने शो की होती हैं, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ है फ्लो चार्ट विच गिव्स द स्टेप्स ऑफ द मेथड। अब इसके अंदर फ्लो चार्ट ये होता है कि जो उसकी सॉफ्टवेयर की या उसकी जो वर्किंग है वो उन्होंने इस फ्लो चार्ट के साथ प्रेजेंट की होती है। जो ब्लॉक डायग्राम होती है वो पार्ट्स को बताती है, जो फ्लो चार्ट होती है वो आपके कह लें कि मेथड या जो भी सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर कोई चीज़ है पेटेंट उसने करवाई हुई है तो उसके स्टेप्स को वो बताती है। थर्ड चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो है रीड दी स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशन इज़ द मीट ऑफ द पेटेंट। इट कंप्राइज द रिटन पोर्शन ऑफ द पेटेंट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पेज इंफॉर्मेशन एंड क्लेम्स। अ वेल रिटन स्पेसिफिकेशन विल एक्सप्लेन द इन्वेंशन इन इमेंस अमाउंट ऑफ डिटेल। द ट्रिक टू रीडिंग द स्पेसिफिकेशन इज लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम्स दैट द इन्वेंशन सॉल्व्स एंड हाउ दोज सॉल्यूशंस आर इम्प्लीमेंटेड। फॉर मेथड पेटेंट्स डिस्क्राइबिंग सॉफ्टवेयर की इज अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम। डू नॉट थिंक इट टर्न्स टर्म्स ऑफ कोड। आगे इन्होंने एक कोड कोटेशन डाली हुई है, द कोड इज सिंपली अ सेट ऑफ डायरेक्शंस, अ सेट ऑफ इलस्ट्रेशंस दैट विल अल्टीमेटली एक्सप्लेन टू द कंप्यूटर व्हाट नीड्स टू बी डन। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हवाले से है
कि आपके पास पूरी की पूरी डायरेक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वुड बी एबल टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है, एक पॉइंट उसके पास ए है, फिर एक पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जाना है, वो सारे का सारा तरीक़ाकार इसके अंदर स्पेसिफिकेशन में एग्जाम्पल दी हुई है कि आप बता सकते हैं। विद पॉइंट ए बींग अ लिस्ट ऑफ डिजायर्ड फंक्शनैलिटी एंड पॉइंट बी बींग द कोड दैट इनेबल्स द फंक्शनैलिटी। अब पॉइंट ए के अंदर जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो इनेबल, और जो पॉइंट बी की फंक्शनैलिटी है जो भी है, वो एक वो प्रोग्राम लिखेगा या कोड लिखेगा जिससे वो सारी की सारी वर्किंग में आएगी। द इन्वेंटिव स्टेप इज दैट डिजाइड सॉरी डिस्क्राइब्ड इन दैट जर्नी। अ वेल रिटन सॉफ्टवेयर पेटेंट विल डिस्कस मल्टीपल वेज अ कंप्यूटर कोडर विल सीक टू अकॉम्प्लिश द सेम टास्क। सी एन एग्जाम्पल ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, यू विल कम अक्रॉस द फॉलोइंग पार्ट्स इन द स्पेसिफिकेशन। अब जो स्पेसिफिकेशन होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे एक्सप्लेन की होती हैं, ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने टाइटल आपको देना है कि क्या चीज़ इन्वेंट की गई, ठीक है। ये जो आप जब किसी भी चीज़ को पेटेंट करवाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन में सबसे पहले उसका टाइटल आता है कि आपने ये चीज़ इन्वेंट की, ये इसका टाइटल है। क्रॉस रेफरेंस टू रिलेटेड एप्लीकेशंस, इफ दिस पेटेंट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ पेटेंट इज रिलेटेड टू अदर पेटेंट्स एंड और बेस्ड ऑन अर्लियर US applications, it will say so after the title. अगर कोई क्रॉस रेफरेंस है किसी, मतलब किसी और एप्लीकेशन के हवाले से या किसी और दूसरे पेटेंट के हवाले से, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि ये इसका क्रॉस रेफरेंस है, कि पहले ये चीज़ बन चुकी है तो ये इसकी रिवीजन है हमारी, ठीक है, या अपडेट आपने इसको किया है अच्छे फीचर्स के साथ या कोई स्पेसिफिकेशन ऐड किया आपने। स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेडरली स्पॉन्सर्ड रिसर्च और डेवलपमेंट। स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेडरली स्पॉन्सर्ड रिसर्च और डेवलपमेंट फाउंड इन एप्लीकेशन वेयर इन्वेंशन वाज डेवलप्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म और स्पॉन्सर्ड बाय अ यूएस गवर्नमेंट एजेंसी। अब इसके अंदर अगर किसी ने आपको कोई स्पॉन्सर किया हुआ है या कोई रिसर्च डेवलपमेंट के हवाले से कोई फंडिंग है, आपको कोई चीज़ मतलब प्रोवाइड कर रहा है, कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट है या एजेंसी है, तो आप मतलब उस इन्वेंशन को डेवलप करने के लिए, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है आप वहाँ पे इसको ऐड अप कर सकते हैं या स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जब आप पेटेंट एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। तो फिर रेफरेंस टू माइक्रोफैज अपेंडिक्स, माइक्रोफैज और सीडी रोम अपेंडिक्स मे बी सप्लाइड विद द एप्लीकेशन व्हेन लिस्टिंग अ वेरी लेंथी डीएनए सीक्वेंस और कंप्यूटर प्रोग्राम, चांसेस आर यू विल नेवर नीड टू लोकेट दिस इंफॉर्मेशन। अब कोई आपके पास अगर ज़्यादा ही रेफरेंसेस हैं, कोई डिटेल हैं, आप वहाँ पे अक्सर आप बुक्स में देखते हैं कि अपेंडिसेस जो होते हैं ना वो सबसे लास्ट में उन्होंने दिए होते हैं, या कोई कंप्यूटर की के हवाले से अगर कोई ज़्यादा डिटेल डाटा है तो वो आपके पास सीडी के हवाले से या कोई उस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं रेफरेंसेस के अंदर, या सीडी रोम अपेंडिसेस बोला जाता है कि आप प्रॉपर जो है ना एक सीक्वेंस, अगर कोई बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें हैं तो आप उनको सेव करके वहाँ पर अटैच कर देते हैं, कि अगर किसी ने ज़्यादा स्पेसिफिकेशन या रेफरेंसेस पढ़ने हैं तो वहाँ से जाके पढ़ लें, ठीक है। या कोई आप रेफरेंस दे देते हैं कि फलां बुक है या फलां आर्टिकल है, या वहाँ पे जस्ट उसका लिंक दे देते हैं, वो वहाँ से जाके पढ़ भी सकते हैं। इन्वेंशन बैकग्राउंड के अंदर बात आती है, फिर उसमें जनरली द फर्स्ट पैराग्राफ पुट्स द इन्वेंशन इन कॉन्टेक्स्ट। अ कनेक्टर मे बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम द इन्वेंशन सॉल्व्स और द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच इट फॉल्स। अब आपने सबसे पहले जो इन्वेंशन का बैकग्राउंड लिखना है उसमें पहले पैराग्राफ में ये आएगा कि इन्वेंशन का क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या प्रॉब्लम आ रहे थे जो आपने ये टेक्नोलॉजी बनाई है जो ये सॉल्व करेगी, उसमें क्या पहले क्या प्रॉब्लम आ रहे थे आप उनको बताएंगे पहले। फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रायर आर्ट विच इज अर्लियर इन्वेंशंस, अ ब्रीफ कमेंट एज टू व्हाई द इन्वेंशन इज बेटर
मोर इफेक्टिव और चीपर में भी इंक्लूडेड। अब इसके अंदर जो भी आपके पास इन्वेंशन आपने पहले जो हुई हुई थी उसकी थोड़ी सी आप डिस्क्रिप्शन बता दें, फिर आप अपने बारे में बताएं कि क्या आपने ज़्यादा इस इन्वेंशन में बेहतर किया, क्या इफेक्टिव है, क्या आपने उसके अंदर कोई उसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिव आपने उसको किया है नहीं किया, वो डिटेल दें, ठीक है। या आपकी जो डिज़ाइन पेटेंट की एप्लीकेशन होती है उसमें आ सकती है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन वेरियस फीचर्स एंड नॉन्सेंस, फॉर एग्जाम्पल कॉपी पेरेंटल वेरिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट ए। अब ये जैसे एलिमेंट ए के हवाले से वो एग्जाम्पल थी कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो उसी तरीके से आपके पास जो डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट आएगी थर्ड चीज़, उसमें आप उसके फीचर्स या स्पेसिफिकेशंस बता सकते हैं जो भी आपकी इन्वेंशन की हैं, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर बात आती है पेटेंट्स प्री डेटिंग द अमेरिका इन्वेंट्स एक्ट रिपोर्ट आर बेस्ट मोड आर डिटेलिंग ऑफ द प्रेफर्ड वे टू प्रैक्टिस द इन्वेंशन और हाउ इट वर्क्स बेस्ट वेदर द AIA डिड अवे विद द बेस्ट मोड रिक्वायरमेंट इज अ टॉपिक फॉर डिस्कसिंग इन अनदर ब्लॉग पोस्ट फॉर नाउ। अब जो प्री डेटिंग के हवाले से कह लें कि पेटेंट प्री डेटिंग के अंदर ये अमेरिकन एक्ट है इन्वेंट के रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर आप अपनी कह लें कि जो इस इन्वेंशन की कह लें कि प्रैक्टिसेस हैं, डिटेल्स हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे वर्किंग करता है, आप उसको सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिटेल्स के साथ आप बता सकते हैं अमेरिकन इन्वेंट्स एक्ट के मुताबिक, ठीक है। अनलेस इट इज अ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड पेटेंट स्किप द पेनफुली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच ड्राइंग्स टास्क ऑफ फ्लिपिंग पेजेस बैक एंड फोर्थ टू लिंक द रेफरेंस नॉमिनल्स ऑन द ड्राइंग विद द टेक्स्ट इन द स्पेक्स इज अननेसेसरी एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब जितनी भी डिटेल है या जो भी डिस्क्रिप्शन है या जो भी ड्राइंग्स आपने दी हुई हैं उसमें अक्सर अवकात जस्ट ज़्यादातर लोग फ्लिप करते जाते हैं पेजेस को, और कहीं पर अगर कोई उनको रेफरेंस या कोई चीज़ जो चाहिए होती है वो उसको पढ़ते हैं और उसको चेक करके निकल जाते हैं। अब ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें बहुत ज़्यादा अपने स्पेसिफिकेशंस या ड्राइंग्स आपने अटैच की होती हैं या आपकी एप्लीकेशन में हुई हुई होती हैं, जब आप अपने किसी भी डिज़ाइन को या प्रोडक्ट को पेटेंट करवा तो बहुत ज़्यादा डिटेल होती है क्योंकि हर हर चीज़ उसके अंदर आपने एक्सप्लेन की होती है या करवाई होती है कि कोई भी बंदा उस चीज़ को यूज़ ना कर सके, आपने सारी की सारी उसमें स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, हर चीज़ बताई हुई होती है।